सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ऐसे वर्ग की महिलाओं को ये मौका दिया है कि वो अपनी राजनीति में प्रतिभागिता को दर्ज करा पाए। उमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत ही अच्छा होगा अगर वो नारी पढ़ी लिखी हो, पार्षद बन रही हैं लेडीज या कहीं पर भी चल रही हैं तो पति का नाम चल रहा है, खुद अनपढ़ हैं, लाइट नहीं आती टाइम पे, पानी भी नहीं है। लेडीज ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और हमारी समस्या को समझे। पानी नहीं आता ना ही लाइट आती है और जो यहाँ के रोडों पे नाली बनी हुई है वहाँ पे भी गंदगी रहती है। नमस्कार, मैं हूं सतीश राघव और आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज़ चैनल। जिस तरीका से आप देख रहे हैं कि अभी जो नगर परिषद और नगर पालिका हैं उनका ड्रा किया गया है और उनमें महिलाओं के पद कुछ आरक्षित किए गए हैं, कुछ पुरुषों के पद आरक्षित किए गए हैं, तो इस कड़ी में अगर हम बात करें सोहना की, तो सोहना में SC महिला के लिए पद आरक्षित किया गया है। तो इसे लेके यहाँ पे आज हम कोशिश करते हैं जानने की कि किस तरीका से कस्बा वासियों को किस तरीका की चेयरपर्सन चाहिए, किस तरीका की उसके अंदर होने चाहिए और क्या खासियत होनी चाहिए। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीका की चेयरपर्सन इनको चाहिए। क्या नाम है जी आपका? भावना हम्मड़। भावना जी, जिस तरीका से SC महिला के लिए यहाँ पे पद आरक्षित किया गया है चेयरपर्सन का, तो किस तरीका की चेयरपर्सन सोहना नगर परिषद की होनी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने SC वर्ग की महिलाओं को ये मौका दिया है कि वो अपनी राजनीति में प्रतिभागिता को दर्ज करा पाएँ। और जहाँ तक बात हो तो हमारा जो चेयरपर्सन का उम्मीदवार हो एक ऐसी महिला हो जो सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, उसका स्वयं का एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व हो, लोगों के दुख दर्द समझ सके और बिल्कुल ऊंचे से ऊंचे और निचले से निचले तबके के साथ उनके हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल सके और सोहना नगर का सतत विकास कर सके। यहाँ सोहना में जो भी काम अधूरे हैं, जैसे बहुत सारे सिविल लाइन की अव्यवस्था है, बहुत सारी कॉलोनियों में कहीं कहीं गंदे पानी की भी समस्या है, बिजली की समस्या है, तो जो हमारा भावी चेयरमैन हो उस प्रत्याशी से हमारी यही उम्मीद हो कि वो एक सशक्त और बोल्ड महिला हो जिसे पुरुष के सहारे के बिना भी वो अपने सारे काम कर सके और उसकी खुद की छवि हो, ना कि वो अपने पति, पिता या भाई की छवि के सहारे आगे बढ़े। तो इस तरीका की जो आप बात करें तो अक्सर इस तरीका की महिलाएं तो बहुत ही कम होती हैं, तकरीबन पति या परिवारजन तो सबके होते ही हैं, तो इस तरीका की महिला क्या कोई उम्मीदवार है? हाँ जी, इस तरह की महिला उम्मीदवार है। मेरी नज़र में सीमा जी को मैंने देखा है कि जो भी काम उन्होंने किए हैं प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन्होंने बिना किसी पुरुष के सहयोग के किए हैं और सामाजिक संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम किए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम किए हैं। हमें भी कभी किसी चीज़ की समस्या हुई है तो उन्होंने पर्सनली भी सहयोग स्वयं के बलबूते पर किया है। तो अब हमारे साथ हैं योग गुरु भी हैं और काफ़ी तकरीबन कस्बा क्या इलाके के लोग ही शायद जानते होंगे, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीका की कैंडिडेट चेयरपर्सन हो? बहुत अच्छा, नमस्कार सभी को। एक लाइन मुझे याद आती है कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो जो हमारे सोहना की चेयरपर्सन होनी चाहिए वो सशक्त होनी चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए, जो किसी पुरुष के पीछे चलने वाली नहीं होनी चाहिए, जिसकी अपना एक व्यक्तित्व हो, एक छवि हो, एक पहचान हो, ऐसा चेहरा हम चाहते हैं आगे आने वाले चेयरमैन के रूप में हमारे सोहना को मिले। और बहुत ही अच्छा होगा अगर वो नारी पढ़ी लिखी हो, क्योंकि मैं आजकल यही देख रही हूँ चारों तरफ कि पार्षद बन रही हैं लेडीज़ या कहीं पर भी चल रही हैं तो पति का नाम चल रहा है, खुद अनपढ़ हैं, पता ही नहीं है उनको राजनीति क्या होती है, कैसे संभालना है। तो एक राजनीति को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसमें काम करने का उसको अनुभव भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है वो यही है कि वो डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। ये नहीं है कि बस पद तो मिल गया लेकिन उसके बाद काम नहीं चल रहा है, और जितना भी पीछे विकास ना होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण यही रहा है कि पोस्ट तो चाहिए सभी को लेकिन काम करने का अनुभव, तजुर्बा, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आज हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी चेयरमैन बने आगे तो वो हमारा डेडिकेटेड हो, अनुभवी हो
और उस पद के योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो ये सारे गुण हम देखना चाहते हैं आगे आने वाले चेयरमैन के रूप में, और सोहना का विकास कर सके जो, और सबका विकास सबका साथ जो मोदी जी का नारा है उसको लेकर के चले कि छोटे से तबके से लेकर के बड़े तक सबका साथ रहे, सबको साथ लेकर के चले, ऐसा हमारा चेयरमैन होना चाहिए। देखिए अगर बात की जाए महिला चेयरपर्सन की, तो पिछली बार भी महिला चेयरपर्सन ही थी सोहना में, फर्क इतना था कि पिछली बार सिर्फ बीसी थी, अब की बार एसटी सीट पे है। तो क्या मानते हैं कि पिछली बार जो चेयरपर्सन थी उनकी मौजूदगी में किस तरीके के काम हैं जो कि नहीं हो पाए और महिलाओं को कितना सम्मान मिला? देखो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी के काम का किसी के साथ, ये तो मैं मानती हूँ, और काम अपने लेवल पे सभी कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही समझ में आता है कि जितना होना चाहिए था विकास उतना तो अभी हुआ नहीं है, और जिस लेवल पे होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है, और उसकी हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ पहले किया गया है और कुछ आगे आने वाले जो हमारे चेयरपर्सन होंगे वो और करेंगे विकास। तो हम तो कहते हैं कि जहाँ सांस है वहाँ आस है, तो इसलिए आस लगाए बैठे हैं कि फिर से हमारे रानी लक्ष्मीबाई पैदा हों, जीजाबाई पैदा हों, और इस तरह की जो औरतें हैं हम में से ही मिलेंगी आपको, कहीं बाहर से नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारा काम यही है कि अपने विवेक से काम लें, आप जब भी वोट डालने जाएं तो ये ना देखें ये मेरी फैमिली का है, ये मेरे कुनबे का है, ये मेरे घर के पास रहता है, या ये मेरे परिवार से है। आप इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को देखें कि ये व्यक्ति किस तरह का है, उस व्यक्ति के गुणों को देख करके आप वोट दें। अपनी जात बिरादरी एससी से है बीसी से है, क्योंकि वोटिंग तो सभी ने करनी है, वोटिंग तो एससी बीसी ही नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए आप ये ना देखें, आप पर्सनल व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें कि वो किस तरह का है, उसका पढ़ाई लिखाई कैसी है, पिछले जो कार्य हैं उसके वो कैसे रहे हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके वोट दें। चलो कुछ महिला और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप थोड़ा बता दो किस तरीका के विकास कार्य हुए हैं सोहना में, किस तरीका के बाकी है, आप ये बता दीजिए। ज़्यादा तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना है, महिलाओं के लिए तो बहुत कम है। मैं तो ये चाहती हूँ महिला ऐसी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी समझदार होनी चाहिए, जो अपने काम स्वयं कर सके और हमारी भावना को समझे और हमारे लिए काम करे। आपकी नज़र में मुख्य रूप से इस तरीके के कौन से कार्य हैं जो भी जरूरी होने चाहिए, लाइट का हो या पानी का हो या जिस जो भी मुद्दे आपकी नज़र में कुछ इस तरीके के होंगे, क्या बाकी रह गए? लाइट नहीं आती टाइम पे, पानी भी नहीं है, ये लेडीज के लिए बैन है जी, लेडीज ही समझ सकती है लेडीज की समस्या को जी, तो हम ये समझते हैं कि लेडीज ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी और हमारी समस्या को समझे जी। चलो कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। ये सुनीता जी हैं, ये भी थोड़ा सा बताएंगे। सुनीता जी किस हिसाब से आपकी जो कॉलोनी है इसमें बताते हैं डंपिंग स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, कॉलोनी में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो आपने अभी तक इसकी शिकायत की होंगी और क्या समाधान हुआ है? हमने यहाँ पर 3 बार शिकायत की, तब की यहाँ के लोगों ने जी एसडीएम के पास भी आप गए हैं? हाँ जी गए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी जी। तो इसके अलावा पानी आपकी कॉलोनी में ठीक आता है? नहीं पानी नहीं आता, ना ही लाइट आती है, और जो यहाँ के रोडों पे नाली बनी हुई है वहाँ पे भी गंदगी रहती है। यानी कि अगर बात की जाए तो शहर में बहुत कुछ विकास होना भी बाकी है, अगर बात की जाए सफाई व्यवस्था की तो सफाई व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमराई हुई है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पेयजल आपूर्ति का पूरे तरीका से अभी तक ठीक व्यवस्था नहीं बनाई गई है, लाइट की बात की जाए तो लाइट भी ठीक नहीं है। यही बात आज हमने यहाँ पे जो कस्बा के कुछ मौजूद लोग हैं इनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार समस्या क्या है और किस तरीका का कैंडिडेट इन। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।